गाजा के कई कोनों में तबाही मचाने के बाद अब इजरायली सेना राफा शहर में घुस चुकी है। इजरायली फौज का कहना है कि राफा हमास की 4 बटालियनों का गढ़ है, जिन्हें जड़ से उखाड़ने के लिए राफा पर जमीनी हमला करना जायज है। लेकिन एक तरफ जहां राफा के भीतर IDF का कहर शुरू हो गया है, वहीं दूसरी तरफ राफा में इजरायल को रोकने के लिए लेबनान का हिजबुल्ला और यमन का हूती बार बार IDF को अपने हमलों से दहला रहे हैं। और इसी कड़ी में लेबनान के हूती ने ऐलान कर दिया है कि उसने इजरायल पर हमले के 4th चरण का आगाज कर दिया है। हूती का कहना है कि 4th चरण में इजरायल के खिलाफ हमले 2 हिस्सों में होंगे। पहले में भूमध्य सागर में इजरायल के खिलाफ हमला किया जाएगा और दूसरे हिस्से में राफा में IDF को रोकने के लिए अटैक किया जाएगा। और इसके तहत जो भी जहाज इजरायल के कब्जे वाले फिलिस्तीनी बंदरगाह की तरफ जाएगा, वो हूती का वैध टारगेट होगा। इसको लेकर हूती के प्रवक्ता याया सारी का कहना है कि आने वाले दिनों में उन जहाजों के बारे में नई जानकारी सामने आएंगी जिन्होंने हूती द्वारा इजरायली कब्जे वाले बंदरगाह की ओर जाने वाले जहाजों पर लगाई गई नाकेबंदी को तोड़ दिया था। अपने इसी बयान में याया सारी ने एक बहुत बड़ा संकेत दिया है। याया सारी ने कहा है कि गाजा को लेकर हमारा रुख सिर्फ लोकप्रियता हासिल करने का नारा नहीं है, बल्कि व्यवहार में निहित एक रुख है जो पुष्टि करता है कि यमनी लोग फिलिस्तीन के लिए जीवन का बलिदान देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, और यदि उन्हें रास्ता दिया जाए तो लाखों लोग गाजा की रक्षा के लिए जाएंगे। हूती के प्रवक्ता याया सारी ने अपने बयान में अमेरिका को लेकर भी एक बहुत बड़ी बात कही है। याया सारी का कहना है कि अगर अमेरिका यमन के खिलाफ जमीनी हमले की शुरुआत करता है तो यमन के लोगों ने खुद को जंग के लिए तैयार कर लिया है, या यदि फिलिस्तीन के लिए उनके लिए रास्ता खोला जाता है तब भी हम युद्ध के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि हूती ने इजरायल के खिलाफ और फिलिस्तीन के समर्थन में 5वें और 6ठे चरण के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी कर ली है। हूती का कहना है कि यमन ने यह साबित कर दिया है कि हमारी रणनीति रूप से एक अहम स्थिति है, जैसा कि अब यमन लाल सागर, अरब सागर और हिंद महासागर में पृथ्वी के अत्याचारियों को अपमानित कर रहा है। दुनिया एक ऐसी स्थिति में पहुंच चुकी है जहां पर किसी की भी अमेरिका के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं है, लेकिन यमन ने अमेरिका के युद्धपोत और जहाजों को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया है। यमन ने अमेरिका की इज्जत को मिट्टी में मिलाया है। सारी के मुताबिक अब इसी वजह से अमेरिका एक ऐसी स्थिति में पहुंच गया है जहां पर वो अपने जहाजों की रक्षा नहीं कर सकता है, और इस सब के बीच यमन अभी भी अमेरिकियों और इजरायलियों के खिलाफ युद्ध की शुरुआत में है। हूती का कहना है कि पूरी दुनिया ने गाजा को अकेला छोड़ दिया है, लेकिन यमन अभी भी उनके साथ खड़ा हुआ है, और ये जंग अभी यमन के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। बड़ी बात यह है कि लाल सागर में हूती के हमलों की वजह से पूरी दुनिया का माल ढुलाई कारोबार चरमरा गया है, और अब शिपिंग कंपनियां केप ऑफ गुड होप के लंबे रास्ते से अपने जहाजों को भेज रही हैं, जो न सिर्फ महंगा है बल्कि इसमें समय भी काफी खप रहा है।